जी अस्सलाम वालेकुम। 8th चैप्टर हम कर रहे हैं और उस चैप्टर की हम पहले कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और आज हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 की तरफ। एक्सरसाइज 8.3 के अंदर जो आपको 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उन 5ों क्वेश्चंस के अंदर उन्होंने आपको बोला है कि इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, जो आपको हर क्वेश्चन के अंदर दो दो इक्वेशंस दी हुई हैं, तो दो इक्वेशंस हैं इसलिए उन्होंने इन दोनों इक्वेशंस को किसी एक क्वेश्चन के अंदर जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला है। दो इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोला हुआ है और ये कह रहे हैं कि जो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व कीजिए फॉर एक्स एंड वाई ग्राफिकली। यानी आपके पास दो इक्वेशंस हैं और उन दो इक्वेशंस को एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है और सॉल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ्स। आपके पास दो इक्वेशंस होती हैं, जैसे ये मैंने आपके लिए इक्वेशन लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो एंड 2x-y+3=0। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर दो इक्वेशंस जब आपको दी हुई होती थी तो उसको हमने सॉल्व करना सीखा है मैट्रिक्स अप्रोच से और उसके बाद हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है साइमल्टेनियसली, जिसके अंदर हम किसी एक इक्वेशन के अंदर किसी एक वेरिएबल के लिए किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके उसे दूसरी इक्वेशन में प्लग करते हैं, सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम वैल्यूज फाइंड करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से भी। लेकिन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का सिर्फ वही दो तीन ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, लाइक जो हमने मैट्रिसेस अप्रोच से किया था। मैट्रिक्स अप्रोच एक होता है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फिर एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक होता है एलिमिनेशन मेथड। सिर्फ ये तीन मेथड्स ही नहीं है बल्कि एक मेथड और भी है जिसे हम ग्राफिकल अप्रोच बोलते हैं और वही अप्रोच इस चैप्टर के अंदर हमने किसी हद तक सीख ली है। बाकी दो इक्वेशंस हों या तीन इक्वेशंस हों या कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो तो उसके लिए हम कैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आज इसमें सीखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशंस हमें अलग अलग दिए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.3 का और उसमें से 5 क्वेश्चंस में से पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए चूज किया है। जब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसके बाद फिर बाकी आपको आसान हो जाएंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन के अंदर आपको फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो, सेकेंड इक्वेशन दी हुई है 2x-y+3=0। तो बेहतर ये है सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग करके आप किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लीजिए। वेरिएबल से मेरा मतलब है अननोन और अननोन कौन कौन से हैं, एक्स और वाई। तो हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्विंग अबव इक्वेशंस फॉर y जो कि अननोन है आपके पास। तो इक्वेशन 1 से आपको पता है कि आपके पास है x प्लस y इक्वल्स टू 0 और इसे अगर y के लिए सॉल्व करते हैं तो ये x इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस x हो जाएगा। एक आपको यहाँ पे पहली इक्वेशन से ये इंफॉर्मेशन मिल गई। दूसरी इक्वेशन से अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो ये है, जैसे आपके पास इक्वेशन है 2x-y+3=0 और अगर इसे y के लिए सॉल्व करते हैं तो माइनस y को इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2x+3=+y या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y=2x+3। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर जो है इसी चैप्टर का लिया है तो उसके अंदर हमने जब इनको अलग अलग सॉल्व कर लिया था तो फिर हम वैल्यूज सपोज करते हैं। एक्स की वैल्यूज आप 2-3 सपोज करेंगे तो आपके पास 2-3 वाई की वैल्यू आ जाएंगी और फिर उन वैल्यूज को लेके आप ग्राफ के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह पहले इसके लिए आप एक लाइन ड्रा करेंगे वही एक्स की 2-3 वैल्यू सपोज करने के बाद और फिर वाई की 2-3 वाई सेकंड इक्वेशन को भी यहाँ पे भी एक्स की कोई 2 या 3 वैल्यूज लेने के बाद सपोज करने के बाद आप वाई की 2-3 वैल्यूज निकालेंगे और फिर एक लाइन बनेगी और उन दोनों लाइंस को जब आप ग्राफ करेंगे तो वहाँ पे हमें ये इनके जो अननोन्स की वैल्यू जो उन्होंने एक्चुअली आपको बोला है सॉल्व करने के लिए जो वो सॉल्यूशन वैल्यूज होंगी वो मिल जाएंगी। वो कैसे, हम एक क्वेश्चन ये कंप्लीट आपके सामने अभी सॉल्व करते हैं। जैसे मैं ये ले लेता हूं यहां पे y, ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यूज आ गई। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं -1
आपको जैसे पता है कि हम हमेशा ही कोई एक वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, फिर जीरो ले लेते हैं, कोई एक पॉजिटिव वैल्यूज भी ले लेते हैं. तो अगर मैं एक्स रखता हूँ माइनस वन, तो आपके पास देखिए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव वन. क्योंकि माइनस वन जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स की जगह पे माइनस वन रखने के बाद, तो आपके पास ये पॉजिटिव वन आ जाएगा. और फिर आप इसी की जगह पे एक्स की जगह पे जीरो अगर प्लग करते हैं तो वाई की वैल्यू भी जीरो आएगी. और अगर मैं एक्स की जगह पे पॉजिटिव वन पुट करता हूँ यहाँ पे, तो पॉजिटिव वन इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव वन हो जाएगा. सो एक्स अगर आपके पास पॉजिटिव वन है तो वाई की वैल्यू आपके पास नेगेटिव वन आ जाएगी. तो ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई. और इसी को हम पहले ग्राफ कर लेते हैं. ये आपको पता है ओरिजिन है हमारे पास, जीरो होते हैं यहाँ पे एक्स भी और जीरो ही होता है यहाँ पे वाई भी. ये ले लेते हैं हम एक्स वैल्यूज और ये ले लेते हैं हम नेगेटिव एक्स, और इसी तरह ये पॉजिटिव वाई और ये नेगेटिव वाई. अच्छा, इन वैल्यूज को जब आप ग्राफ करने जा रहे हो, जैसे हमारे पास ये एक इंफॉर्मेशन है पहले, तो पहले आप इनको पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, पॉजिटिव वन और सॉरी थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ले लेते हैं हम, ऐसा करते हैं ये वन और ये पॉजिटिव टू, और फिर इसी तरह यहाँ पे पॉजिटिव वन और यहाँ पे नेगेटिव टू, नेगेटिव वन नेगेटिव टू. और वाई की वैल्यू भी हमारे पास ऐसी हैं कुछ, तो हम ये ले लेते हैं वाई वन और ये हो गया वाई टू, सिमिलरली वन और टू. तो पहला हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आपको नजर आ रहा है माइनस वन और पॉजिटिव वन का है, एक्स की वैल्यू माइनस वन और वाई की वैल्यू पॉजिटिव वन. और एक्स हमारे पास है नेगेटिव वन ये वाला, और वाई हमारे पास है पॉजिटिव वन जो कि ये है. इन दोनों के बिल्कुल सामने पॉइंट अगर आप लेते हैं तो कोई ये वाला पॉइंट आपको मिल जाएगा. उसके बाद है जीरो, एक्स भी है वाई भी जीरो है, तो वो ये ओरिजिन का पॉइंट होगा. और उसके बाद है आपके पास वन और नेगेटिव वन, यानी एक्स आपके पास पॉजिटिव वन है तो वाई आपके पास नेगेटिव वन है, जो आपको ये मिल जाएगा. ये एक्स अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपके पास एक लाइन बन जाती है जो कि रिक्वायर्ड थी आपको पहली. तो ये पहली इक्वेशन की आपने ये सॉल्व करने के बाद ये एक लाइन ड्रॉ कर ली. अब इसी तरह आप सेकंड इक्वेशन के अंदर भी जो ये है यहाँ पे भी आप कुछ वैल्यू सपोज करते जाइए एक्स की, और एक्स की वैल्यू सपोज करने के साथ साथ आपको कुछ वाई की वैल्यूज मिलते जाएंगी, और उनको भी फिर हम इसी तरह यहाँ पे ही ग्राफ के ऊपर लोकेट करते हैं. जैसे सपोज ये मेरे पास एक्स की वैल्यूज हों और यहाँ पे y. इसी तरह ही मैं क्या करता हूँ, पहले x नेगेटिव वन सपोज कर लेता हूँ, और अगर मैं x नेगेटिव वन रखता हूँ यहाँ पर, ये मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, y इक्वल्स टू टू इंटू माइनस वन प्लस थ्री, तो y आपके पास आ जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, या फिर y इक्वल्स टू पॉजिटिव वन. और अगर y पॉजिटिव वन है तो यहाँ पे पॉजिटिव वन, और फिर अगर x की वैल्यू जीरो रखते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे x जीरो रखता हूँ तो y इज इक्वल्स टू थ्री वो यहाँ पे, और फिर अगर x माइनस वन रखता हूँ मैं तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस टू, सॉरी माइनस वन नहीं, अभी पॉजिटिव रखना है, माइनस वन हम ऑलरेडी रख चुके हैं. तो पॉजिटिव वन अगर आप रखते हैं तो पॉजिटिव टू प्लस थ्री फाइव. तो ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई अगर आप x की वैल्यू सपोज करके सेकेंड इक्वेशन में प्लग करते हैं. कैसे करनी है वो अभी मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व किया. अब ये कुछ तीन पॉइंट्स हैं आपको, ये भी तीन पॉइंट्स बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने ये पहले तीन पॉइंट्स, पहला ये पॉइंट था, दूसरा ये और तीसरा ये पॉइंट, आपने इसी तरह ग्राफ के अंदर लोकेट करते हैं और एक लाइन हम ड्रा करने की कोशिश करते हैं. जैसे x आपके पास नेगेटिव वन है तो y पॉजिटिव वन होना चाहिए, ये नेगेटिव वन और y आपके पास पॉजिटिव वन है. तो पहला पॉइंट आपको यही मिल गया, x नेगेटिव वन और y पॉजिटिव वन. फिर उसके बाद है जीरो, x जीरो है तो y कितना है थ्री, तो y थ्री आपके पास कुछ यहां पे होगा, ये जीरो एंड y इज इक्वल्स टू थ्री, एक पॉइंट आपके पास ये आ गया. थर्ड पॉइंट है x अगर आप पॉजिटिव वन लेते हैं तो y आपके पास पॉजिटिव फाइव होना चाहिए. मुझे इसी को थोड़ा सा और ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको अरेज कर लेते हैं हम, थ्री तो यहां पे कहीं फोर होगा और ये पॉइंट आपके पास फाइव होगा. तो
एक पॉइंट ये हो गया और फिर दूसरा आपके पास थर्ड पॉइंट जो है एक्स अगर पॉजिटिव वन में लेता हूं तो वाई आपके पास कितना होना चाहिए फाइव, जो कि आपके पास कहीं ये वाला पॉइंट बन जाएगा जो फाइव के भी सामने है और यहां पे वन के भी सामने। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद हमें देखना क्या है जो सॉल्व करने के लिए एक्चुअली उन्होंने बोला है, जो बोला है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई ग्राफिकली। तो ग्राफिकली सॉल्व करते हुए हमने देखना है कहां पे ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। दोनों लाइंस, ये जो दोनों इक्वेशन से दो लाइंस आपने ड्रा करी, फर्स्ट इक्वेशन ये थी, इस इक्वेशन से हमने ये वाले पॉइंट्स लिए और इन पॉइंट्स से हमने ये लाइन ड्रा करी, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट्स मिले, इन पॉइंट्स को लेते हुए हमने ये लाइन ड्रा करी। अब देखना ये है ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही है, इंटरसेक्ट से मतलब एक दूसरे को क्रॉस कहां पे कर रही है। जहां पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी उसी पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर गुजारने हैं एक्स के ऊपर भी और वाई के ऊपर भी, तो आपको दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे हमें नजर आ रहा है कि ये वो वैल्यूज है, ये दोनों इक्वेशंस, ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस पॉइंट से आप एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर गुजार लीजिए तो आपके पास ये पॉइंट मिल गया, और इसी पॉइंट से आप वाई एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर गुजारेंगे तो ये पॉइंट मिल गया। अब इस परपेंडिकुलर के सामने वैल्यू आप नोट करें तो कौन सी है, पॉजिटिव वन, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, पॉजिटिव वन। और जब आपने एक्स ये है, ये x एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो x की वैल्यू आपके पास एक्चुअली नेगेटिव वन आई, नेगेटिव वन x आ गया, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर गुजार के देखा तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, y की वैल्यू पॉजिटिव वन। तो सॉल्यूशन वैल्यूज क्या है आपके पास, ये x इक्वल्स टू माइनस वन, y इक्वल्स टू पॉजिटिव वन, और यही वो वाला पॉइंट है जो एक्चुअली आपको फाइंड करना था, नेगेटिव वन एंड पॉजिटिव वन। तो ये इसका था सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी टोकन के ऊपर आपकी ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व हो सकती है, पांच क्वेश्चंस है इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और ट्राई करता हूँ। हमने पहला क्वेश्चन किया, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन को ट्राई करने के लिए ऑब्वियसली मुझे ये वाला सारा कुछ रेस करना पड़ेगा और उसकी दोनों इक्वेशंस अभी हम लिखते हैं। चलें जी, मूव करते हैं हम इसी के क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन के लिए मैंने दो इक्वेशंस हैं, 2x plus y minus 1 equals to 0, और सेकंड इक्वेशन x minus y, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन के अंदर सीखा कि दोनों इक्वेशंस को किसी एक वेरिएबल के लिए, अननोन के लिए हमने सॉल्व करना है। तो अभी भी हम यहां पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमारे पास ये है, इसको भी y के लिए सॉल्व करते हैं और फिर सेकंड इक्वेशन को भी y के लिए सॉल्व करते हैं। अगर इसको y के लिए आप सॉल्व करने जा रहे हो तो आप क्यों कीजिए 2x को उधर ले जाइए और minus 1 को भी उधर ले जाइए, तो आपके पास y equals to माइनस 2x प्लस 1, यहां से ये इंफॉर्मेशन मिल गई। और इसको अगर आप y के लिए सॉल्व करना चाहते हैं, y को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा x प्लस y इक्वल्स टू 0, और अब y को इधर रहने दीजिए, x को दूसरी साइड पे ले जाइए तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू माइनस x। अब बिल्कुल उसी तरह से सपोज करते जाइए x की कुछ वैल्यूज, दो या तीन वैल्यूज लेने के बाद आप उसको ग्राफ कीजिए, फिर y की भी दो तीन वैल्यूज लीजिए। हम ये भी प्रॉपर सॉल्व करते हैं। सपोज यहां पे आपके पास x है और ये हम y की वैल्यूज ले लेते हैं, x मानो मैं पहले ले लेता हूं नेगेटिव वन। अगर मैं x यहां पे नेगेटिव वन रखता हूं तो नेगेटिव वन नेगेटिव टू से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव टू हो जाएगा, पॉजिटिव टू प्लस वन y वैल्यू आ गई आपके पास 3। और अगर मैं x यहां पे 0 रखता हूं, इसी इक्वेशन में x अगर मैं 0 रखता हूं, जैसे हमने 1 माइनस 1 रखा x की जगह पे, अगर 0 रखता हूं तो x 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 विल बिकम 0, और 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो आपके पास एक और पॉइंट मिल गया। और अब x की जगह पे हम पॉजिटिव 1 रखते हैं, अगर पॉजिटिव 1 रखता हूं यहां पे, पॉजिटिव 1 रखने से ये हो जाएगा माइनस 2, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 1 इक्वल्स टू माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू नेगेटिव 1। तो पॉजिटिव 1 जब रखा x तो नेगेटिव 1 आपके पास y की वैल्यू आ गई। बिल्कुल इसी तरह से अब आप ग्राफ बनाइए जैसे हमने पहले ग्राफ लिया था, ग्राफ लेने के बाद हम उसको भी यहां पे सॉल्व करते हैं। जैसे ये मैं ग्राफ ले लेता हूं, ये ओरिजिन होता है बिल्कुल जैसे आपको पता है, और अभी आप क्या कीजिए x के पार्ट्स बना लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कुछ 1 और ये कुछ हो जाए 2,
और ये कुछ हो जाए 3. तो इक्वल पार्ट्स के अंदर आपके पास तो ऑब्वियसली ग्राफ पेपर होगा, उसके अंदर इटसेल्फ उसको प्रॉपर डिजाइन किया हुआ होता है और आप पॉइंट्स को ले सकते हैं. तो मुझे यहाँ पे अप्रोक्सीमेट पॉइंट लेने होते हैं 1 and 2, और यहाँ पे आपको पता है माइनस एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स होता है, यहाँ पे पॉजिटिव वाई होता है और यहाँ पे नेगेटिव वाई होता है. अब ये जो आपके पास पहली इक्वेशन के हमने जो पॉइंट्स लिए हैं, ये पॉइंट्स अगर देखें तो ये माइनस वन और पॉजिटिव थ्री है एक पॉइंट. अब पहला ये वाला पॉइंट अगर आप ड्रा करते हैं एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, तो ये माइनस वन ये वाला रहा और उसके साथ वाई की वैल्यू आ रही है 3. मुझे वाई को भी डिवाइड कर लेने दीजिए 1 के अंदर. इसी तरह y एक्सिस को भी हमने उसी तरह पार्ट्स बना लिए. पहला पॉइंट अगर आप जरा देखें तो हमारे पास आ रहा है माइनस वन एंड थ्री, माइनस वन एंड थ्री एक ये है, फिर जीरो एंड वन है, फिर वन एंड माइनस वन है. तो माइनस वन x की वैल्यू माइनस वन है और y इक्वल्स टू पॉजिटिव थ्री है. तो ये x और 1 के जो बिल्कुल सामने पॉइंट आ रहा होगा वो हम लेंगे. ये 1 के सामने भी है और माइनस और पॉजिटिव 3 के सामने भी है, ये पॉइंट आ गया. और उसके बाद x अगर 0 रखें तो y equals to positive 1 है. तो x 0 रहा और y आपके पास positive 1 है, जो कि ये वाला पॉइंट आ गया. एक पॉइंट आपको ये मिल गया. और फिर इसी तरह जो थर्ड पॉइंट है आपके पास वो है पॉजिटिव 1 x है तो y negative 1 है. ये पॉजिटिव 1 रहा और ये negative 1 रहा, तो आपके पास एक पॉइंट ये बिल्कुल यहाँ पे इसके सामने आ गया. अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो आपके पास ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई. बिल्कुल इसी तरह से हम अभी सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे. सेकंड इक्वेशन के अंदर भी एक्स की वैल्यूज कुछ सपोज करेंगे और उन्हीं वैल्यूज के अंदर सपोज करने के बाद हमें वाई की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगे. बिल्कुल इसी तरह इसको भी ड्रा करते हैं, देखते हैं. सपोज ये एक्स की वैल्यूज ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ वाई की वैल्यूज आ जाती हैं और अगर आप एक्स को रखते हो पॉजिटिव 1, पॉजिटिव 1 रखने से हम देखते हैं कि y आपके पास नेगेटिव 1 आ जाएगा, और अगर आप x 0 रखते हैं तो y भी 0 आ जाएगा, और अगर आप x माइनस 1 रखते हैं तो y आपके पास पॉजिटिव 1 आ जाएगा. और इन वैल्यूज को भी, इन पॉइंट्स को भी आप उसी तरह लोकेट कीजिए. पहला पॉइंट है x पॉजिटिव 1, y नेगेटिव 1, तो ये वो पॉइंट रहा x पॉजिटिव 1 और y नेगेटिव 1. दूसरा पॉइंट आप लेंगे तो 0 x है और 0 y भी है, ये वाला ओरिजिन आ गया. तीसरा पॉइंट अगर आप लेते हैं x आपके पास नेगेटिव 1 है और y आपके पास पॉजिटिव 1 है, जो कि ये कहीं पे पॉइंट आएगा. अब इन तीनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. अब बिल्कुल उसी तरह इन दोनों इक्वेशंस को भी देखो कि ये दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे कर रही हैं. तो ये दोनों इक्वेशंस जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन पॉइंट होगा, और सॉल्यूशन पॉइंट आपको नजर आ रहा है वो ये वाला है. एक परपेंडिकुलर इधर एक्स एक्सिस के ऊपर गिरा लीजिए और एक वाई एक्सिस के ऊपर गिरा लीजिए. तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव 1 मिल जाएगी और वाई की वैल्यू नेगेटिव 1 मिल जाएगी. ये तो ये आपके पास एक्चुअली सॉल्यूशन है. यहां से आप लिख सकते हैं x equals to positive 1 and y equals to negative 1. होप कि आपको ये questions या ये exercise आगे इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं करेगी, और अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपके लिए वो भी सॉल्व करेंगे. थैंक यू वेरी मच.